भारत और वेस्टइंडीज के बीच मौजूदा सीरीज में अब तक बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है। पहले चार मैचों में 8 शतक लग चुके हैं, जो कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में लगे 3 शतकों की तुलना में काफी ज्यादा है। भारत और वेस्टइंडीज दोनों ने ही शुरुआती 2 मुकाबले में 300 रनों से अधिक का स्कोर बनाया। मुंबई में संपन्न हुए 4थे वनडे में टीम इंडिया ने 377 का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तिरुवनंतपुरम में गुरुवार को सीरीज का 5वां और निर्णायक वनडे मैच खेला जाना है। स्पोर्ट्स हब की पिच को लेकर भी खुलासा बड़ा हुआ है। जी हां, टीम इंडिया की कोशिश सीरीज 3-1 से अपने नाम करने की होगी, जबकि कैरेबियाई टीम 2-2 से सीरीज बराबर करने का प्रयास करेगी। जी हां, खबरों की माने तो तिरुवनंतपुरम की पिच से एक बार फिर बल्लेबाजों को मदद मिलने वाली है। इसका मतलब यह है कि तिरुवनंतपुरम में भी 300 से अधिक का स्कोर बन सकता है। पूर्व केरल क्रिकेट एसोसिएशन सचिव और 30 साल बाद तिरुवनंतपुरम में पहले वनडे मैच के सामान्य संयोजक जयेश जियोगे ने कहा कि हमने ऐसी विकेट तैयार की है जिससे बल्लेबाजों को मदद मिलेगी, हम 300 से अधिक रन के स्कोर की उम्मीद कर सकते हैं। स्पोर्ट्स हब ने पिछले साल पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी की थी, जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच खेला गया था। बारिश के कारण यह मैच 8 ओवर का खेला गया था और ऐसे भी देखने को मिला था कि बल्ले पर गेंद धीमे आ रही थी, जिसकी वजह से शॉट खेलने में मुश्किल हो रही थी। जयेश ने कहा कि तब बारिश के कारण थोड़ी दिक्कत हुई थी, इस बार हमारे पास तैयारी का पर्याप्त समय रहा क्योंकि धूप रही और गेंद के बल्ले पर आसानी से आने की उम्मीद है। हालांकि स्पोर्ट्स हब ने सिर्फ एक प्रथम श्रेणी मैच की मेजबानी की, वो भी 2017-2018 में, जिसको देखते हुए पता करना मुश्किल है कि पिच कैसा बर्ताव करेगा। आयोजकों ने कहा कि पिछले साल स्पोर्ट्स हब पर एक अभ्यास मैच खेला गया और दोनों ही टीमों ने 30 ओवर में 200 से अधिक का स्कोर बनाया गया। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।